वेलकम इन ऑल अबाउट एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि संविदा पर भर्ती को लेकर के यूपी में अभी कह सकते हैं कि गहमागहमी का माहौल चल रहा है, और कल भी यहाँ पे संविदा पर जो यहाँ पे वैकेंसीज आने वाली है उस पर विरोध चल रहा है। संविदा की बात जो यूपी गवर्नमेंट के तरफ से की जा रही है, योगी सरकार की तरफ से की जा रही है, उसके विरोध में यहाँ पे कल प्रदर्शन भी बनारस में हुआ था। और आज यहाँ पे अभी बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है कि प्रयागराज में फिर से छात्रों ने एक तरह से बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, हल्ला बोल प्रदर्शन यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किए गए हैं छात्रों के द्वारा प्रयागराज में, और बहुत बड़ी यहाँ पे अपडेट निकल के आ रही है कि छात्रों के साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया गया है यहाँ पे, चाहे वो प्रशासन हो या फिर पुलिस हो उसके द्वारा। और क्या इनके द्वारा मांग की गई है और क्या यहाँ पे खबर हो, आज हम आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सरकारी नौकरियों में बड़े बदलाव की तैयारी सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी अब प्राइवेट जैसी होगी, प्रोफेशनलिज्म और परफॉर्मेंस बेस्ड होगा काम। 5 साल तक संविदा पर तैनाती होगी। 6-6 महीने पे रिव्यू करेंगे ये लोग, तो इसमें बताइए, हम लोग तो ठीक है, लड़के किसी भी तरीके झेल लेंगे, लड़कियों का क्या होगा, लड़कियों का जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होगा। खुद मुख्यमंत्री जी अपना 3 साल के कार्यकालों का 60% मूल्यांकन। देखा ये प्रोटेस्ट, और इस प्रोटेस्ट में यहाँ पे जो मांग की गई है वो मांग है यूपी ट्रिपल सी की जो एग्ज़ाम्स है उसको क्लियर करने के साथ ही वीडियो की जो ज्वाइनिंग है जो अभी तक नहीं हुई है उस ज्वाइनिंग को यहाँ पे उस ज्वाइनिंग को लेकर के भी मांग उठाए गए हैं। और ये यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में इस बार फिर से उठाया गया है, क्योंकि लगातार अब छात्र यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। और आपने देखा होगा ट्विटर पे भी हंगामा चला हुआ था, ट्विटर पे भी यहाँ पे सभी रिजल्ट्स के बारे में और फिर ज्वाइनिंग के बारे में अभी ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। साथ ही आज यहाँ पे जो मांग की गई है वो भी मांग की गई है कि सीएम हो गया, एमएलए हो गया, इन सभी को 6 मंथ पर मूल्यांकन किया जाए। और अगर छात्रों के साथ ये मूल्यांकन हो सकता है, टीचर्स के साथ ये मूल्यांकन जरूरी है, तो सीएम और एमएलए के साथ भी ये मूल्यांकन जरूरी है। कितना अच्छी बात यहाँ पे छात्रों के द्वारा उठाई गई है। और साथ ही देख सकते हैं कि जो अभी स्टेनोग्राफर के रिजल्ट आने बाकी है, टाइपिंग अभी होने बाकी है यूपी में, 2016 की टाइपिंग अभी तक नहीं हुई है। तो इन तमाम चीज़ों की मांग यहाँ पे उठाई गई है और ये लगातार उठाई जा रही है। तो फ्रेंड्स, इसके पॉजिटिव अपडेट क्या आने वाले हैं आगे कुछ दिनों में पता चलेंगे, और प्रोटेस्ट कितना लंबा चल रहा है इसमें आपको बढ़ चढ़ के यहाँ पे चाहे आप वर्चुअली या फिर यहाँ पे ऑनलाइन मीडियम से सहायता कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को इतना ज़्यादा फैलाइए, इतना ज़्यादा वायरल कीजिए, इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके और फ्रेंड्स हो उनके पास पहुँच सके, ताकि वो भी प्रोटेस्ट में नेक्स्ट प्रोटेस्ट कब है इसके बारे में आपको सूचित किया जाएगा, और नेक्स्ट प्रोटेस्ट में कम से कम आप लोग पार्टिसिपेट करें, या फिर आपके जो फ्रेंड सर्किल में है वो जो नज़दीक है वहाँ पर प्रयागराज या फिर जहाँ भी बनारस में प्रोटेस्ट हो रहा है, लखनऊ में कहीं भी प्रोटेस्ट हो रहा है, उस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने का काम करें। क्योंकि ये हल्ला बोल प्रोटेस्ट अब यहाँ पे हमने आंदोलन शुरू किया, छात्रों ने आंदोलन शुरू किया है मिलकर के, ये यहाँ पे छात्रों के पक्ष में जाना चाहिए। और इसमें जो यूपी गवर्नमेंट अभी अलग अलग यहाँ पे नियम लाने का काम कर रही है, इसमें अपनी जो यहाँ पे कार्रवाई करे और इसको सुधार करने का काम करे, क्योंकि इसमें छात्रों के साथ आगे बहुत ज़्यादा अन्याय हो सकता है। तो इन तमाम जो मांगे हैं, अभी यूपी में देखें तो कई सारे एग्ज़ाम्स के रिजल्ट पेंडिंग कई साल से पड़े हुए, 2016-17-18 के भी रिजल्ट पेंडिंग पड़े हैं। तो इन तमाम चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, जबकि गवर्नमेंट खुद अपना मूल्यांकन न करके छात्रों का मूल्यांकन और ज़्यादा टीचर्स का मूल्यांकन करने में लगी हुई है। तो इसके पीछे जो आवाज़ छात्रों के द्वारा उठाया जा रहा है उसमें अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके जो सर्किल में फ्रेंड्स उनको भी ये पता लगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आगे क्या अपडेट होते हैं उसके पल पल अपडेट को हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।